नमस्कार दोस्तों जुमाक्सा चैनल में आपका स्वागत है मैं आपके सामने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर प्रस्तुत हुआ हूं ये मुद्दा है स्वच्छता के बारे में देखिए आपको मालूम होगा स्वच्छता जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है भारत के हर एक नागरिक को या हर व्यक्ति को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि स्वच्छता का दायरा बहुत बड़ा है स्वच्छता बाहरी भी होती है आंतरिक भी होती है बाहरी मतलब अपने आसपास साफ़ सफाई रखनी चाहिए जिससे क्या होता है स्वास्थ्य अच्छा होता है जीवन अच्छा होता है उसी तरीके से आंतरिक होती है विचारों में शुद्धता जैसे विचारों में स्वच्छता इस तरीके से मानसिक शांति मानसिक स्वच्छता तो स्वच्छता हर दायरे में आती है जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैं अपने मन से किसी को गंदे पैरों गुजरने नहीं दूंगा तो इसमें भी स्वच्छता का आप महत्व देख सकते हैं तो इसी तरीके की स्वच्छता बाहरी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार समय समय पर कदम उठाती है उसी तरीके का एक कदम है कदम है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 जिसमें छठी बार मतलब छह बार जो है लगातार फर्स्ट आ गया है इंदौर छठी बार भी उसने स्वच्छ शहर या क्लीनियस सिटी का टाइटल जीत लिया है तो आइए देखने की कोशिश करते हैं सारे डेटा सारे फैक्ट आपको इसी में मिल जाएंगे और भारत के नागरिक होने के कारण आपको न्यूज जानना बहुत जरूरी है देखिए तो पहला कौन आ गया है जैसा मैंने आपको बताया लगातार छठी बार कौन इंदौर आ गया फर्स्ट जैसे आपके स्कूलों में कॉलेजों में कंपटीशन होते हैं विद्यार्थी फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उसी तरीके से भारत सरकार क्या करता है स्टेट के शहर में कंपटीशन करवाता है कि कौन सा शहर या कौन सा स्टेट स्वच्छता में सबसे आगे चल रहा है जिसके स्टेट में आसपास सफाई सबसे ज्यादा है कचड़ा सही से फेंका जा रहा है जैसे आपने देखा होगा आजकल पीला डब्बा नीला डब्बा हरा डब्बा इस तरीके के कचड़े को सेग्रीगेट किया जा रहा है तो उसमें छठी बार मतलब पांच बार तो इंदौर फर्स्ट आ ही गया था छठी बार भी इंदौर जीत गया है दूसरे नंबर पे आया है सूरत आया है यहाँ इंदौर की पिक्चर देख सकते हैं यहाँ सूरत की देख सकते हैं और इंपॉर्टेंट है तीसरा तीसरा आया है नवी मुंबई जबकि पिछली बार था विजयवाड़ा तो नवी मुंबई ने विजयवाड़ा को पीछे कर दिया है फिर इसी तरीके से शहरों के बीच में कॉम्पिटिशन हुआ स्टेटों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा तो फर्स्ट कौन आएगा तो इस बार मध्य प्रदेश फर्स्ट आया है फिर छत्तीसगढ़ आया और फिर महाराष्ट्र आया है यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं अब देखिए बात करते हैं और अलग अलग कैटेगरी होती है जैसे कुछ शहर होते हैं बड़े जिनकी पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया के ऊपर होती है और कुछ शहर होते छोटे जिनकी पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया के नीचे होती है तो उसी तरीके से जिनकी फ्यूअर देन हंड्रेड अर्बन लोकल बॉडीज हैं अर्बन लोकल बॉडीज नगर निगम नगर पालिका जिनके यहाँ पे जिन स्टेट में सौ से कम अर्बन लोकल बॉडीज़ है उसमें त्रिपुरा जो है वो फर्स्ट आया है आप यहाँ त्रिपुरा का कल्चर ट्रेडिशन पिक्चर देख सकते हैं उसके बाद देखेंगे महाराष्ट्र का पंचगनी जो है वो फर्स्ट आया है किसमें फर्स्ट आया है वो वन लैख से कम वाली पॉपुलेशन के क्राइटेरिया में फर्स्ट आया है पंचगनी के बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का करड़ जो है वो उसके स्थान आते हैं फिर आप देखेंगे क्लीनस्ट गंगा टाउन आप सभी जानते होंगे अपना जो कुंभ का मेला हरिद्वार बहुत फेमस है तो आप

को कांटेक्ट करना हो तो यहां हमारे से कर सकते हैं थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग